हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत से लोगों के मोस्टली फेमस राजमा चावल। तो मैंने यहाँ राजमा को बॉईल करके रख लिया था और 2 से 3 आलू बॉईल किए थे। तो मैंने कढ़ाई में लिया है सरसों का तेल, उसमें जीरा, कड़ी पत्ता, खड़े लाल मिर्च और काली मिर्च, लौंग, इलायची और ये सारे खड़े मसाले कुछ ऐड किए थे। फिर इन्हें थोड़ा रोस्ट किया था। रोस्ट करने के बाद मैंने अनियन को फाइन चॉप कर लिया था। फिर उसमें 2 से 3 हरी मिर्च लंबी हिस्सों में काट लिया था। फिर थोड़ा भूनने के बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी किया। पेस्ट रेडी करने के बाद उसे अच्छे से भून लिया। फिर हमें साथ साथ मैंने जो टमाटर काटे थे 5 से 6 मीडियम, उसमें 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक जैसा आपको ठीक लगता है, मैंने यहाँ 2.5 चम्मच नमक लिया था, और एवरेस्ट का मसाला राजमा जो मैंने 1 से 1.5 चम्मच यूज़ किया था। फिर सारे मसाले मैंने मिक्स करने के बाद देखा मैंने मेरा प्याज रेडी हो चुका है भूनकर। तो फिर मैंने जो टमाटर और जो मसाले मिक्स किए थे वो उसमें ऐड कर दिए थे। ऐड करने के बाद उन्हें अच्छे से भूना। फिर भूनने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था कि जिससे वो सारे मसाले अच्छे से रोस्ट और हो मतलब भून जाए और उनका तेल अलग हो जाए। और कुछ टाइम के लिए मैंने इसे ढक के रख दिया था जिससे कि बहुत ही जल्दी भून जाए। और सॉरी, वो क्लिप ना मेरे से डिलीट हो गई थी। तो ये जल्दी भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड किया राजमा और 2 से 3 आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिया था जिससे कि थोड़ी ग्रेवी थिक हो जाए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं मैंने मैश करने के बाद राजमा और आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया था और 1 से 2 ग्लास मैंने पानी ऐड किया था। बाकी आपको जैसी ग्रेवी ठीक लगती है आप उसी तरह से ग्रेवी रख सकते हैं, बट मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए थी तो इसलिए मैंने 1 से 2 ग्लास पानी ऐड किया था और इसे कवर कर दिया से। इवन हमें 15 से 20 मिनट तक इसे अच्छे से बॉईल करना है जिससे कि ग्रेवी और ये राजमा का टेस्ट जो है मिक्स हो जाए अच्छे से। फिर मैंने एंड में ऐड किया था बटर। बटर आप ऑप्शनल है, यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, एक क्लिप डिलीट हो गई थी। तो फिर इसे कवर करने के बाद बटर पूरा मेल्ट हो चुका है। फिर मैंने एंड में ऐड किया इसमें धनिया और प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी। बहुत ही सिंपल है और आप ट्राई करके देखिए, आपको राजमा का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ट्राई दिस रेसिपी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई ऑल वीडियोज एंड सर्व राजमा राइस एंड अनियन। बाकी आपको रोटी, परांठा जो भी अच्छा लगता है आपके साथ सर्व कर सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस राजमा की सब्जी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़।